Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinod Srivastav. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. Student, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है डिबेट्स एंड सेमिनार। ये टॉपिक भी हमारे LSE पेपर के अंतर्गत आता है और इसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन डिबेट्स एंड सेमिनार्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिबेट्स आर देयर। और क्योंकि हम ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो हमें इसकी कहीं ना कहीं क्वालिटी एंड खूबियों के बारे में भी जानकारी होगी। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक का जो कि है डिबेट्स एंड सेमिनार्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं डिबेट पे कि एग्जैक्टली डिबेट्स होता क्या है। ऑल्दो अगर हम बात करें तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब हम स्कूल टाइम में थे तब से हमने बहुत से तरीके के डिबेट्स देखे हैं। इवन अगर आज करंट सिचुएशन में हम बात करें तो आजकल टीवी शोज में भी बहुत से डिबेट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो डिबेट्स होता क्या है, तो डिबेट के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डिबेट्स होते हैं, डिबेट कैन बी डिफाइंड एज कंटेंशन इन आर्ग्यूमेंट, डिसेंशन, quarreling, controversy, especially a formal discussion of subjects before public assembly or legislature in parliament or in any deliberative assembly. कोई भी ऐसा logic आप कह सकते हो, कोई भी ऐसी तर्क वितर्क जो कि किसी चीज को लेके, किसी सब्जेक्ट को लेते हुए जब हम लॉजिक वे में जाते हुए उस चीज को रखते हैं अपनी बात को, तो इट्स कॉल्ड डिबेट। तो डिबेट जो होता है कहीं ना कहीं एक डिस्कशन है जो कि लॉजिक के साथ होता है। तो डिबेट के मीनिंग को जानने के बाद हम ये जान लेते हैं कि जब हम डिबेट स्टार्ट करते हैं, डिबेट करा रहे हैं सपोज क्लास में, तो हम कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक डिबेट को बेहतर और फ्रूटफुल या रिजल्टफुल बना सकता है। तो डिबेट की बात करें तो देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ डिबेट। तो सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो है लॉजिकल कंसिस्टेंसी। आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है किसकी, लॉजिक की। यानी कि तर्क अगर आपके पास पूर्ण रूप से है तो आपका जो डिबेट है वो कहीं ना कहीं गिरेगा नहीं, वो ऊपर उठता जाएगा। इमोशनल अपील इसमें देखने को मिलेगी in a formal debating context. There are rules for participants to discuss and decide on differences within a framework defined how they will interact. So, हर एक चीज का एक रूल होता है। अगर हम डिबेट की बात करें तो there must be some rules जिसके आधार पे जो कंटेस्टेंट है वो उस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। डिबेट इज ऑल्सो कैरियड आउट फॉर एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल पर्पज। जो डिबेट है वो शिक्षा और नई चीजों को उठाने या नए मुद्दों को उठाने, नए मुद्दों के प्रति जानकारी लेने के लिए भी किया जाता है, यूजली एसोसिएटेड विद द एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट और डिबेटिंग सोसाइटी। तो जो ये है, हर समय हम डिबेट को निगेटिव फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। इट्स सम गुड एंड पॉजिटिव वे टू enhance, to research, to innovate, to inculcate some ideas in front of public. तो ये एक इसके element का part है। Debates के elements को जानने के बाद अब हम ये जान लेते हैं जो debate हैं तो वो normally हम कितने प्रकार के कह सकते हैं, या फिर student debating societies जो है वो कितने part में हमें देखने को मिलती है। तो parliamentary debate हो गया जो कि हमें parliament में देखने को मिलता है। Debate between candidates and high officers, यानी कि हाई ऑफिसर्स को जब हम अपनी बातें समझाते हैं या वो जब तर्क वितर्क हम देते हैं तो कैंडिडेट एंड हाई ऑफिसर्स के बीच में जो टॉक होती है वो डिबेट हो गई। कॉम्पिटिटिव डिबेट जो कि हम क्लासरूम से लेके हायर एजुकेशन तक के सिनेरियो में करते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के तौर पे जब हम चीजों को डिस्कस करते हैं। एक्सटेम्पोरेशन स्पीक किसी भी टॉपिक पे, लाइक जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आजकल के समय में न्यूज चैनल्स पे डिबेट हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो एक्सटेम्पोर होता है, पब्लिक को बुलाया जाता है और उनको किसी सिचुएशन के बारे में बताते हुए उनसे राय ली जाती है, डिस्कशन होता है, लॉजिक भी होता है, तो एक्सटेम्पोर वहाँ पे हमें डिबेटिंग देखने को मिलती है। इन डिबेट्स के अलावा भी कुछ डिबेट्स हैं जो कि हम देख सकते हैं आजकल के समय पर प्रचलित हैं, वो हैं उनमें से इम्प्रोम्प्टू डिबेट, मैक डिबेट, ओपन पार्लियामेंट्री डिबेट, पब्लिक डिबेट, टर्न कोड डिबेट एंड ऑनलाइन डिबेट। तो ये भी कुछ वैरायटीज ऑफ डिबेट हैं जो कि हमें अपनी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं सेमिनार की। डिबेट में सेमिनार पर जब हम बात कर ली है तो डिबेट्स के बारे में हमने उसके पर्सपेक्टिव को समझा, तो अब हम ये जान लेते हैं कि सेमिनार कैसे डिफरेंट है या कैसे अपने आप को भिन्न रखता है डिबेट से। तो जो सेमिनार होता है, सेमिनार इज अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन। एक एकेडमिक इंस्ट्रक्शन होता है आइदर एट एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और ऑफर्ड बाय अ कॉमर्शियल और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन।
कोई भी ऐसी कॉमर्शियल और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कि इसे ऑर्गेनाइज करती है। इसका जो मेन पर्पज होता है वो इंस्ट्रक्शन होता है, और कहीं ना कहीं ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, किसी नतीजे पे निकलने की कोशिश करते हैं। तो जो सेमिनार्स होता है नॉर्मली किसी टॉपिक को लेके किया जाता है, और उस टॉपिक के पीछे रीजन ये होता है कि जो वाइज पर्सन है या उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय रखते हैं, और अल्टीमेटली एक रिजल्ट निकाला जाता है सेमिनार्स में। तो द वर्ड सेमिनार इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसका आप मीनिंग देख सकते हो, सीड प्लॉट, मतलब ऐसा प्लॉट, ऐसा एरिया या पार्क जहाँ पे हम किसी चीज को ग्रो करते हैं, कोई नई चीजें निकालते हैं, पब्लिक के सामने रखते हैं, देन इट्स कॉल्ड सेमिनार। तो आई होप स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था डिबेट एंड सेमिनार अंडर LSE पेपर, वो आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस, मेरे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस समझ में आ रही हैं, तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड अगेन, अगर मैं लर्न टू टीच चैनल की बात करूँ तो इसमें सिर्फ BEd से ही संबंधित नहीं है, इवन As we all know that CTET is here and coming in next month, तो हम ये देख सकते हैं कि जो CTET के जितने भी टॉपिक हैं वो भी आपको लर्न टू टीच चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे। तो प्लीज इसे देखिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।